फिजाब कहाँ थे तुम? मैं तो तुम्हारे दिल में होता हूँ। मैंने सीरियसली पूछ रही हूँ, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान रही हूँ रात भर। तुम्हारा नंबर भी बंद जा रहा था, कॉलेज जाने का बिल्कुल मेरा दिल नहीं था, सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ। तुम्हें पता है मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी जूनी मेरा इंतजार कर रही है। नंबर क्यों बंद है तुम्हारा? अरे यार, कल रात को ऑफिस से लेट उठा था, कुछ लुटेरों ने गन पॉइंट पे मेरा फोन और बटुआ दोनों छीन लिए। शुक्र है तुम्हें कुछ हुआ नहीं। अपनी जान की परवाह नहीं थी मुझे, लेकिन तुमने मुझे वो गिफ्ट मेरी बर्थडे पे दिया था, वो छीन के ले गए। हमारी काफी हाथापाई भी हुई। पागल हो तुम शहजाद, ऐसे लुटेरों का कोई भरोसा नहीं होता, तुम्हें जान से मार देते तो। अगर मेरी जान भी चली जाती ना, तब भी मुझे इतना दुख नहीं होता। शहजाद, गिफ्ट का क्या है, मैं तुम्हें फिर से दे दूंगी। नहीं बस, वो तो बर्थडे गिफ्ट था ना, इसलिए मैंने ले लिया था, मैं खुद ही ले लूंगा। कब लोगे? जब सैलरी मिलेगी। और सैलरी कब मिलेगी? 5 तारीख तक शायद मिल जाए। नहीं शहजाद, मैं नहीं रह सकती, मेरा दिन कैसे गुजरेगा तुमसे बात किए बगैर? मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हारे लिए फोन लूंगी और तुम्हें लेना पड़ेगा। जूनी, अच्छा नहीं लगता यार। क्यों शहजाद, अच्छा नहीं लगता? हम दोनों अलग थोड़ी हैं, तो फिर ऐसे फॉर्मेलिटीज क्यों? अच्छा बाबा, नहीं होता फॉर्मेलिटी। खुश चलें।